शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम्हारी उम्र 18 साल। Are you sure? सुरेश, जानते हो तुमने क्या गलती की है? एक शादीशुदा औरत से प्यार किया। प्यार करना कोई गलत है क्या? जवाब दो हाँ या ना। प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन किसी शादीशुदा औरत से प्यार करना गलत है, बहुत बड़ी गलती है। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? गणेश, तुम्हारी वाइफ की इसमें कोई गलती नहीं है, बिलीव मी। सुरेश का साइको टेस्ट करके उसका रिपोर्ट देखने के बाद सारी गलती मुझे सुरेश की नजर आ रही है। दरअसल इस उम्र में लोगों को प्यार ना मिलने की वजह से भटक जाते हैं, सुरेश का भी वही हाल है, हार्मोनल प्रॉब्लम। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पेरेंट्स भी इस बात के लिए जिम्मेदार हैं। मैंने भाई को खाना बनाने के लिए बोल दिया है, याद से खा लेना, ठीक है? सुरेश, मालिक ने आज मुझे जल्दी बुलाया है, याद से लाइट बिल भर देना बेटा, ठीक है? शांति, हाँ अंदर आओ, जरा काम है। Thank you.
दिखाओ मुझे। देख के आती हूँ। मैं किचन में हूँ। मैच्योर इंसान तो सोच समझकर कदम उठाता है, लेकिन इस उम्र में बिना सोचे समझे कदम उठाता है। खेल कूद मस्ती मजाक और पढ़ाई करने की इस उम्र में बेचारा सुरेश उन रास्तों से ही भटकता है। लगता है इस उम्र में भी उसका कोई खास दोस्त भी नहीं है। 11 बजे काम वाले घर में आते हैं, उस वक्त सुरेश भी घर में अकेला नहीं था। ऐसे में उसका भटकना स्वाभाविक है, इस वजह से गलत चीजों ने उसे घेर लिया। ऐसे में एक फोन आया। फोन तुम्हारी वाइफ मेघना का था। उसने लगाया था तुम्हारे नंबर, मगर गलती से उसके नंबर पे। आप क्या कर रहे हो? इसके पहले सुरेश के कानों में इतनी प्यार भरी आवाज कभी नहीं गूंजी थी। मैं कल रात भर तुम्हारी यादों में तड़पती रही। आप मेरी नींद अपने साथ ले गए, वापस कब आओगे? हाँ, आपके बिना एक पल भी मुझे अच्छा नहीं लगता। एक लड़की की वो प्यार भरी बातें जाने अनजाने में सुरेश के दिल में घर कर गई। वो प्यारी सी लड़की और कोई नहीं, मेघना थी, तुम्हारी वाइफ मेघना। सुरेश, हमारे पास बस 3 घंटे हैं, 3 घंटों में सारा काम होना चाहिए। हेलो गणेश, मैं बाद में फोन करता हूँ, अभी इस वक्त बिजी हूँ। हेलो। सुनो गणेश, अभी थोड़ी देर पहले मैं तुमसे ही बात कर रही थी ना। मुझसे? मुझसे कहाँ बात की? मैं बाद में फोन करता हूँ, मैं अभी बिजी हूँ मेघना। मेघना को इसका एहसास तभी हो गया था कि वो तुमसे नहीं किसी और से बातें कर रही थी। और इस बीच सुरेश इस बात के लिए बेचैन था कि आखिर ये फोन किसका। मेघना, हे, उस रात मेघना को एक ऐसा सपना आया जो जल्दी किसी लड़की को नहीं आता है।
से अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपना पति समझकर किसी गैर मर्द से प्यार भरी बातें कर बैठी। मुझे माफ कर, मेरे पति को हर बला और मुसीबत से बचाए रखना भगवान। जाने अनजाने में जो भूल उससे हुई थी उसके लिए उसने भगवान से माफी मांगी और सारी बातें भूल कर वो नॉर्मल लाइफ जीने लगी। जो बातें उसने सपने में देखी थी उसे उसने अपने दिमाग से निकाल दिया। आपने ही मंगवाया था ना? अरे छोड़ो ना। आओ ना। अरे नहीं। आओ ना। आओ तो। नहीं छोड़ो मुझे। मेरी बीवी हो ना। आओ। आओ ना। शर्मा देखी हो। अरे क्या? छोड़ो मुझे, गुदगुदी हो रही है। अरे कहाँ ना? आज तो बहुत अच्छी। नहीं आप बस नहीं करो। अरे गुदगुदी हो रही है मुझे बहुत।
सुरेश उसके बारे में सोच सोच कर किसी और दुनिया की सैर करने लगा था, लेकिन उस दुनिया में जाकर उसका अंजाम क्या होने वाला है ना तो वो सोच पा रहा था ना समझ पा रहा था। उम्र से कहीं ज्यादा उम्र वाली औरत के साथ संबंध होना भी सुरेश के लिए एक सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ थी और वो उस दलदल में फंसकर धंसता चला गया। ओके। Thank you.
और इस दिन उसने सारी हदें पार कर दी। घर वालों ने जो सपना देखकर उसे लाड़ प्यार से पाला था, आखिर में वही उनके लिए बेशर्मी का बोझ बन गया। वाली वह शांति कोई मामूली नौकरानी नहीं थी, वो एक सीक्रेट पुलिस एजेंट थी। सुरेश के पिता का संबंध काफी बड़े बड़े हवाला कांड करने वालों के साथ, उसी बात का वो प्रूफ इकट्ठा कर रही थी, इसीलिए उसने सुरेश को अपने जाल में फंसाने का खेल किया। हेलो सर, सर पैसा आ गया सर, एक घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगा। नहीं, डिलीवरी हो जाएगा सर। ओके, we'll be right back।
के। फ्रंट बैक नहीं, लेकिन डायरेक्ट उनके गिरवान तक पहुंचने के लिए ये सबूत काफी नहीं है। ओके। उन लोगों के गिरवान तक पहुंचने के लिए पहले मुझे और डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है सर। आपको याद है एक औरत ने डॉक्यूमेंट्स ला करके दिए थे, ये वही नौकरानी शांति थी। बाद दो चार दिन तक शांति काम पर नहीं है। उसने उसकी माँ से कहा कि मैं एक महीने काम पर नहीं हूँ, क्योंकि उसके गांव में वार्षिक उत्सव है। इस सिचुएशन में सुरेश पागल सा हो जाता है। इसी दरमियान वो घर में नशा करना शुरू कर देता है। चाहता है अगर वो अचानक सामने आ जाए तो क्या होगा। सुरेश के साथ भी वही हुआ। जिस लड़की से सुरेश ने फोन पे बातें की थी वो अचानक उसके सामने आ गया, लेकिन वो लड़की शादीशुदा थी, ये बात उसने पहले नहीं पता। जब उसे पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसके दिल में डर नाम की अब कोई भी चीज नहीं थी। सब कुछ भूल कर वो उसे पाने के इरादे से उसके पीछे पड़ गया। सुनो,
मेघना, मेघना मत मारो, देखो मेघना मैं पुलिस वाला हूँ। अरे क्या कर रही हो? बोलो। अरे मेघना सुनो तो सही, मेघना लेट आ रहे हो। मैंने क्या किया? रुको मारो मत। अरे करूंगी। अरे तो मैं क्या करूँ, लेट हुआ तो? वादा करो फिर तुम दोबारा इस तरह लेट नहीं आओगे। अरे मेघना ड्यूटी है, करना पड़ता है। मारो मत, हमेशा लेट आते हो। मेघना देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो मेघना लाठी दो, मेघना लाठी दो यहाँ पे। मेघना सुनो तो। अरे नहीं रुकूंगी मैं। अरे रुको तो, इधर आओ। मेघना को पाने का दीवानापन उसके सर पे सवार हो गया और इस वजह से वो दिन रात मेघना की यादों में खोया।
सुरेश का बस अब एक ही काम था, मेघना के नंबर पर हमेशा फोन करते रहना। हेलो। हाय, तुमने पहचाना मुझे? हाँ, आप कौन? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता, मैटर क्या है ये मायने रखता है। देखो, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैंने कई दिनों से एक राज अपने दिल में दबा कर रखा है और वो राज मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। वो राज इतना अहम है कि वो तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा है। तुम्हारे पति और तुम्हारे रिश्ते के दरमियान अगर तुम अपनी जिंदगी खुशी से जीना चाहती हो तो मुझसे आकर मिल लो। हे, कौन हो तुम? जानते हो फोन पे तुम किससे बात कर रहे हो? मैं एक पुलिस वाले की बीबी हूँ। जानता हूँ, सुनकर भी अच्छा लगा कि तुम पुलिस वाले की बीबी हो। फिर भी अगर तुम अपनी जिंदगी सुकून से जीना चाहती हो तो एक घंटे के अंदर अंदर मेरे बताए हुए जगह पर आकर मिलो। अभी बज रहे हैं 9 बज रहे हैं, यानी तुम मुझसे 10 बजे तक मिल लो। मेघना बहुत उलझन में पड़ गई थी। सुरेश इंतजार करता रहा मगर वो उसे मिलने नहीं गई। मेघना नहीं आई, ये बात सुरेश से सही नहीं गई। उसका दिल कहने लगा कि उसे कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। शांति भी काम पर लौट चुकी थी, पहले जैसे ऑफिशियल बनकर नहीं अनऑफिशियल बनकर। भले ही मकसद की वजह से उसने सुरेश को अपने जाल में फंसाया हो मगर उसके दिल में सुरेश के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर भी था। और इस दरमियान शांति के लिए सुरेश के दिल में जो कशिश थी वो खत्म हो चुकी थी और उसके दिल में पूरी तरह मेघना छा गई। सुरेश,
अचानक एक दो दिन के लिए कहाँ जाना पड़ा, तुम नाराज हो मैं जानती हूँ। ठीक है ठीक है, तुम नाराज मत हो, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। प्लेट में लेके चुपचाप खाना, जब देखो पता नहीं क्या सोचता रहता है। क्यों सोया हुआ? इसकी कॉलेज की तो छुट्टी है, पता नहीं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी तबीयत तो ठीक है ना मालिक? हाँ? वो ये ऐसे क्यों पड़ा है, क्या हुआ इसे? ऐसा कुछ नहीं है, रात में बर्थडे पार्टी में गए थे इसलिए अभी तक सो रहे हैं। आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं देख लूंगी।
से क्या हुआ है जरा पूछ के। हाँ मैं पूछ लूंगी, या फिर देखो ड्राइवर आया कि नहीं। तो आज पीने का दिन है, आज संडे है तो आज पीने का। वाह वाह, आज तो जानने वाला रही हो। ये क्या है जी? ये तो दवा है, थोड़ा गला खराब है ना इसीलिए ले रहा हूँ। ऐसा क्या? ऐसी दवा इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी। तुमने सच में नहीं देखी क्या? मैंने भी नहीं बताया। आओ अभी दिखाता हूँ, आओ आओ ना। अरे आओ तो दिखाता हूँ। हाँ ना, कुछ नहीं करूंगा, आओ ना। अरे आओ तो देखना। अरे मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या हो गया? अंधेरा हो गया, लाइट भी चली गई। तुम यहीं बैठो। कहाँ जा रही हो? मैं जाकर किचन से कैंडल लेके आती हूँ अभी। ओके।
पता नहीं किसी ने मेन स्विच ऑफ कर दिया था। तुम कुछ देर पहले किचन में आए थे क्या गणेश? मैं तो नहीं आया था, क्यों क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। ठीक है आ जाओ, थोड़ी सी दवाई पी लो, सब ठीक हो जाएगा। आओ आओ। तो हेलो, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मैंने तुम्हारे मोबाइल पर एक वीडियो क्लिप भेजा है, उसे देखना। बिल्डिंग मिलेगी, गाड़ी या टैक्सी लोगी तो 600 रुपए होते हैं, ऑटो से आओगी तो 100 रुपया लगेगा। ठीक आधे घंटे में वहां पहुंच जाओ।
Ugh!
मेघना, कहाँ चली गई? दिख नहीं रही। हेलो, सुनो गणेश, जहां तक मेरा ख्याल है ऐसी गलती तुम्हारी वाइफ कभी नहीं कर सकती। डोंट वरी गणेश, आई एम टेलिंग यू, उसी ने इसे फंसाने की कोशिश की है। Thank you.
जल्दी
गणेश, बिना कारण के कभी भी कोई इंसान गुनाह नहीं करता। किसी भी गुनाह के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। यदि हम उस वजह को जानकर लोगों को सुधारने की कोशिश करें तो 90% लोग सुधर सकते हैं, उन्हें सही रास्ते पर लाया जा सकता है। प्लीज़ कम। डॉक्टर, इस वक्त सुरेश को सजा की नहीं ट्रीटमेंट की जरूरत है। सुरेश ने जो भी गुनाह किए वो इसकी उम्र का तकाजा था। गणेश, पुलिस का फर्ज गुनहगार को उसके गुनाह का सजा दिलाना तो है ही, क्या उन्हें सुधारना नहीं है? इसे यहीं रहने, 3 महीने में मैं इसे बदलकर फिर से सुरेश बनाऊंगा। गणेश जी, तुम्हारे प्यार के साथ साथ तुम्हारा एक फर्ज और भी है, मेघना को उस सदमे से बाहर निकालना और इसे ठीक करना। सब कुछ भुलाकर तुम्हें इसे पहले की तरह बनाना होगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू डॉक्टर। Thank you.
है, तैयार रहना। ठीक है तो मैं चलूं। देखो तुम्हें रोज की तरह 5 बजे आना होगा और आना ही होगा। ओके। बाय। कौन हो? मैं कौन हूँ ये मायने नहीं रखता। मैटर क्या है ये मायने रखता है।